हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द रॉयल ब्यूटी गर्ल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गेट अन रेडी विथ मी। ये मेकअप आप पहले ही देख चुके हो, आज मैं इसका अनरेडी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने अगर ये मेकअप लुक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ था। और इससे पहले जो मैंने स्किन केयर किया था, मैंने वो भी आपके साथ शेयर किया था। और इस मेकअप के बाद जो मैं स्किन केयर कर रही हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो एक्चुअली आज मैं आपके साथ एक ब्राइडल फेशियल किट शेयर करने वाली हूँ गोल्ड का, तो वही मैं आज शेयर करूँगी। और थोड़ा बहुत चिटचैट आपके साथ हो सकता है, तो मैं आज ये शेयर करूँगी। काफ़ी टाइम बाद मैंने ऐसा कुछ आपके साथ शेयर किया है। तो मैं अपने मेकअप को रिमूव करने के लिए यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ स्टे करके का टेक इट ऑफ में मेकअप रिमूवर। काफ़ी अच्छा मेकअप रिमूवर है, आपको थोड़ा सा लेके, जेल बेस्ड मेकअप रिमूवर है, आपको थोड़ा सा लेके अपने पूरे फेस पे रब करना है, थोड़ी देर के लिए मसाज करना है। उसके बाद मेकअप अपने आप मेल्ट होकर निकल जाएगा। आपको कॉटन पैड यूज़ करके या फिर कोई टिश्यू यूज़ करके अपने सारे मेकअप को रिमूव कर लेना है। बहुत ही अच्छे से ये आपके मेकअप को रिमूव कर देता है। ये जो फेशियल किट है ये मैंने दीदी के गोद भराई में लिया था, जो कि मैंने अभी रिसेंटली मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर किया हुआ, उसी टाइम हमने इसे लिया था और फेशियल भी किया था। काफ़ी अच्छा फेशियल किट है। तो मैं जो फेशियल किट शेयर करने वाली हूँ वो है VLCC का गोल्ड फेशियल किट। इसी से हमने फेशियल किया था। इसमें आपको 6 स्टेप मिल जाते हैं फेशियल के, काफ़ी अफोर्डेबल है। 250 रुपीज़ इसका प्राइस है। अगर आप किसी वेडिंग में जा रहे हो या फिर आपकी शादी होने वाली है तो आप इस फेशियल किट को ले सकते हो और अपना फेशियल कर सकते हो। काफ़ी अच्छा ग्लो देता है स्किन पे। लेकिन अगर आप एल्कोहल से कंफर्टेबल नहीं हो तो इस फेशियल किट को यूज़ मत करो, क्योंकि इसमें एल्कोहल भी यूज़ किया गया है जो कि स्किन के लिए हार्मफुल होता है, बट किसी किसी को सूट करता है। तो आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने यूज़ किया बट मुझे कुछ नहीं हुआ, तो आई एम कम्फर्टेबल विथ इट। तो आप भी यूज़ कर सकते हो इसको। 6 स्टेप है इसमें, तो एक एक करके मैं आपके साथ ये सारे स्टेप शेयर करने वाली हूँ। तो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि स्टेप ज़्यादा है, तो प्रोसेस भी इसका ज़्यादा ही होगा, तो थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा चिटचैट भी है। तो प्लीज़ आप वीडियो एंड तक देखना। तो वीडियो थोड़ी सी रॉ टाइप है, तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर कर देना। अब आप सोचोगे कि मैं क्या क्या चीज़ें इग्नोर करूँ, तो आप मुझे मत इग्नोर करना, बाकी भले ही सब कुछ इग्नोर कर देना। तो अब मैं अपना फेशियल स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले स्टेप में है आपको कम्फ्री क्लिंजर प्लस टोनर है, तो क्लिंजिंग और टोनिंग दोनों साथ ही साथ करना है इसमें। तो सबसे पहले मैं अपने फेस पे थोड़ा सा पानी स्प्रे कर दूँगी, क्योंकि फेस गीला करना भी ज़रूरी है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे अपना क्लिंजर प्लस टोनर। अपने फेस को क्लीन करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्लिंजर का। ये जो स्टेप होता है ना गाइज, ये आपके स्किन से डर्ट, गंक, इम्प्यूटीज, जो भी आपके स्किन में डर्ट होता है सब कुछ रिमूव कर देता है और आपके स्किन को फेशियल के लिए प्रिपेयर कर देता है। ये जो छोटे छोटे फेशियल किट आते हैं ना गाइज, मुझे यूज़ करने में बहुत अच्छा लगता है। आप इजीली इसे घर पे यूज़ कर सकते हो, खुद से यूज़ कर सकते हो, तो सबसे अच्छी बात ये होती है मुझे इन सारे फेशियल किट की लगती है। अभी मेरे को मम्मी ने अमरूद ला के दिया, तो मैं अमरूद खा रही हूँ, ये देखो। वैसे मेरे घर पे ही अमरूद का पेड़ है, तो मम्मी वहीं से तोड़ के लाती है और हम लोग खाते हैं। तो अब मैं करूँगी स्क्रब का यूज़, गोल्ड स्क्रब है। और इसके बाद सबसे पहले हम अपने फेस को गीला करेंगे पानी की हेल्प से, इसके बाद हम स्क्रब यूज़ करेंगे। काफ़ी अच्छा स्क्रब है, इसके पार्टिकल बहुत ही अच्छे हैं, बहुत छोटे छोटे थे, बहुत माइल्ड थे और यूज़ करना काफ़ी आसान था। तो आप अपने ईजीली फेस पे स्क्रब कर लो। स्क्रब करने से क्या होता है कि आपके डेड सेल्स रिमूव हो जाते हैं, जो भी ब्लैक एंड वाइट हेयर होते हैं वो सारा कुछ रिमूव हो जाता है, आपकी स्किन में एक अलग ही ग्लो नज़र आता है। इस स्क्रब में छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो आपको स्क्रबिंग करने में हेल्प करते हैं, और इसमें साथ ही साथ टर्मेरिक भी है जो आपके स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है, आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम को दूर करता है, इतने पिंपल को रिड्यूस करता है। अगर आप अपने घर पे भी फेशियल करते हो या फिर स्क्रब करते हो, अगर आप DIY करते हो, तो आप एक टर्मेरिक थोड़ा सा उसमें ज़रूर ऐड कर लो, क्योंकि टर्मेरिक काफ़ी अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए। फेस को वॉश करने के बाद आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा ग्लो आया है मेरे फेस पे। थर्ड स्टेप में मैं यूज़ करने वाली हूँ गोल्ड जेल का। जेल से हम अपने फेस को मसाज करते हैं। फेशियल में फेस मसाज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है हमारे स्किन के लिए। ये हमारे स्किन को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर देता है, हमारे स्किन के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, स्किन को टाइटन अप करता है, ब्राइट करता है, अंदर से हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाता है। हमारे स्किन में अगर जो भी एक्ने पिंपल होने वाला है उसको पहले ही ये सप्रेस कर देता है, और ये काफ़ी अच्छा होता है फेशियल मसाज हमारे स्किन के लिए। आपको जो भी फेशियल के स्टेप्स आते हैं आपको दिन में एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आप जब भी अपना फेशियल मसाज करते हो आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने फेस को
अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मसाज नहीं करना है। अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करने से आपकी स्किन अपलिफ्ट होती है, टाइट होती है, तो आपको ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन में अपने फेस को मसाज करना है। 3 से 4 मिनट के लिए आपको अपने फेस को अच्छे से मसाज कर लेना है, और उसके बाद आपको ठंडे पानी की हेल्प से अपने फेस को वॉश कर लेना है, और उसके बाद आप पैड ड्राई कर लो। स्टेप 4 है गोल्ड क्रीम का, इससे भी आपको अपने फेस को मसाज करना है, ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। तो आपको इसे थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में लेना है, और उसके बाद अपने फेस पे अप्लाई करके आपको फेस मसाज करना है। फेशियल मसाज आप देख ही सकते हो जैसे मैं कर रही हूँ, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो जैसे मैं कर रही हूँ आप उसको देख के लर्न कर सकते हो, और आप अपना फेशियल खुद से कर सकते हो। गाइज ये फेशियल किट मैंने खुद से खरीदा है, खुद के पैसे लगाए हैं, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये आपके मार्केट में भी इजीली मिल जाएगा। 250 रुपये इसका प्राइस है। अगर आप सिंगल पर्सन हो तो इसे आप 3 बार यूज़ कर सकते हो। जब पर्पल सेल चल रहा था अभी थोड़े दिनों पहले, तब मैंने पर्पल से भी कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं, वो मैं इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आजकल मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी स्टोरी शेयर कर रही हूँ, तो अगर आप मुझे वहाँ फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ वहाँ भी फॉलो करो, आपको रोज़ कोई ना कोई मेरे बारे में अपडेट मिलेगी कि मैं क्या कर रही हूँ, कौन सी वीडियो की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ वहाँ भी फॉलो करो, आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको स्क्रीन पर भी नज़र आएगा, मैं आपको दे दूँगी। अब यहाँ पर मेरा फेशियल मसाज कम्प्लीट होता है, 3 से 4 मिनट के लिए मैंने फेशियल मसाज कर लिया है। अब हम 5th स्टेप में यूज़ करेंगे गोल्ड पील ऑफ मास्क का। गाइज अभी मैं अपने गांव में हूँ, लॉकडाउन की वजह से सब लोग गांव में आ गए हैं, तो मैं भी गांव में आ गई हूँ, तो मुझे ब्लॉग इस टाइम पे शूट करना काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मुझे मन कर रहा है आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर करने का। तो आप कमेंट करके बताना कि आप ब्लॉग देखना चाहते हो, अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग भी शेयर करूँगी। इस गोल्ड पील ऑफ मास्क को अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है, आपको थोड़ा सा थिक लेयर लगाना है ताकि इसको पील करने में आपको आसानी रहे, और आपको इसे तब तक सुखाना है जब तक ये बहुत अच्छे से ड्राई ना हो जाए। अगर ये अच्छे से ड्राई नहीं होगा तो ये आपके स्किन में पेनफुल हो जाएगा आपको निकालने में, तो इसलिए आपको अच्छे से ड्राई कर लेना है, उसके बाद ही आपको इसे रिमूव कर लेना है। पील ऑफ मास्क को यूज़ करने से क्या होता है, आपकी स्किन टाइटन अप तो होती है, आपके ओपन पोर रिड्यूस हो जाते हैं, आपके ब्लैक हेड रिमूव हो जाते हैं, व्हाइट हेड रिमूव हो जाते हैं, साथ ही साथ ये फेशियल हेयर को भी रिमूव करता है। अगर आपके स्किन में छोटे छोटे फेशियल हेयर हैं तो उसको भी ये रिमूव कर देता है। अगर आपको अपना फेशियल हेयर रिमूव करना है तो उसके लिए आपको पील ऑफ मास्क को डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में पील करना होगा। मैं यहाँ से अपवर्ड से डाउनवर्ड कर रही हूँ, बट आपको डाउनवर्ड से अपवर्ड करना होगा। इसे फुली ड्राई करने में लगभग 20 से 25 मिनट लग जाएंगे, तो आपको 20 से 25 मिनट का वेट करना है, उसके बाद आपको इसे रिमूव करना। अगर आपके स्किन में थोड़ा बहुत ये रह जाता है रिमूव करने के बाद, तो आप अपने फेस को वॉश कर लोगे अगर नॉर्मल वाटर की हेल्प से, तो भी यह काफ़ी अच्छे से रिमूव हो जाएगा। लेकिन गाइस पील ऑफ मास्क को रिमूव करने के बाद जो आपको ग्लो नज़र आएगा ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी स्किन बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मेरी स्किन कितनी प्योर है, कितनी नेचुरली ग्लो कर रही है, बहुत पसंद आएगा। मुझे तो काफ़ी पसंद आया है, आप देख सकते हो आपके सामने ही रिजल्ट है कितना अच्छा मेरा स्किन ग्लो कर रहा है। तो जितना हो सके पील करके मैं रिमूव कर लूँगी, और उसके बाद जो बाकी बच जाएगा मैं उसको फेस वॉश करके रिमूव कर लूँगी। आपको नॉर्मल वाटर की हेल्प से वॉश करके रिमूव कर लेना है। आप देख सकते हो कितना अच्छा ग्लो आया है फेस को वॉश करने के बाद, मुझे तो ये बेहद पसंद आया, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करो। इसके बाद लास्ट स्टेप में हम करेंगे ऑयल फ्री मॉइस्चराइजिंग जेल का यूज़। आप किसी भी तरह का फेशियल करो, लेकिन लास्ट में आपको अपने फेस को मॉइस्चराइज करना ज़रूरी होता है, तो मैं अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूँगी इस मॉइस्चराइजर की हेल्प से, जो कि काफ़ी अच्छा है। गाइज ये फेशियल किट मुझे तो बहुत पसंद आया, अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हो, बाय करना चाहते हो, तो आप भी इसको बाय करके आप यूज़ करके मेरे साथ अपना जो फीडबैक है वो इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करना। आप मुझे बताना कि आपको ये फेशियल किट कैसा लगा। सो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और हाँ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन आएगा उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप चाहो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया काफ़ी अपडेट हूँ मैं आजकल इंस्टाग्राम पे। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय, लव यू ऑल, मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट